आप काउंटर कीजिए भय को, उसका सामना कीजिए और भागिए मत। ये स्वामी विवेकानंद का काफी प्रसिद्ध कथन है और इसको आप देखेंगे तो मुझे याद है अंतिम समय जब मैं नितिन गडकरी के साथ किसी कार्यक्रम में था तो उन्होंने भी इस चीज को बोला था। तो स्वामी विवेकानंद का जो युवा व्यक्तित्व है वो काफी ज्यादा आकर्षित करने वाला है और देश में खास करके आप देखेंगे तो युवा काफी ज्यादा आकर्षित होते हैं और खासकर यूथ आइकन भी माने जाते हैं और उनको ही समर्पित पूरा का पूरा जो पूरा स्पीच है 12 से 16 तारीख के बीच में जो नासिक में आयोजित है यह उनको ही समर्पित है। दूसरी चीज जहां तक आपने बोला कि अगर खेल की अगर आप बात कर लीजिए या ओवरऑल जो पूरा अगर आप कंसेप्ट ले लीजिए जो नेशनल यूथ फेस्टिवल का है तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो कि महाराष्ट्र के पर्सपेक्टिव में इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला जो आप याद होगा जब 37वां खेल ये नेशनल गेम्स हुआ था गोवा में तो महाराष्ट्र उसमें सबसे ऊपर था 228 मेडल मुझे ठीक ठीक अगर याद आ रहा है तो 228 मेडल महाराष्ट्र ने जीते थे जिसमें 80 जो है वो गोल्ड मेडल थे। इसके अलावा 69 जो है सिल्वर मेडल थे, 79 ब्रॉन्ज मेडल थे। तो ये सब जो अचीवमेंट है वो यहाँ का रहा है। अगर आप ओवरऑल देखेंगे अगर आप भारत से अगर आप सिर्फ स्पोर्ट्स की बात कर लीजिए तो फिर जो आसियान गेम रिसेंटली हुआ जो कि चाइना में हुआ उसमें 107 मेडल भारत ने जीता था। ये पहली बार ऐसा हुआ था कि पिछले सारे रिकॉर्ड को तोड़ के इतना मेडल जीता जिसमें 28 गोल्ड थे। इसी तरह एशियन पैरा गेम्स तो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप अगर आप